इंडिया के संचालकगण के विपरीत एफआईआर दर्ज किए जाने के आदेश प्रदान करने बाबत गुना जिले में स्थित सहारा इंडिया के कार्यालयों गुना आरोन विजयपुर में कार्यरत फील्ड कार्यकर्ता गण हैं। हमारे द्वारा सहारा इंडिया के विभिन्न योजनाओं में जिले के लगभग 6000 निवेशकों के लगभग 100 करोड़ रुपए निवेशित कराए गए हैं। सहारा इंडिया के द्वारा राशि जमा कराने के बाद अपने उक्त स्थानों के सभी कार्यालय बंद कर दिए गए हैं एवं हमारे द्वारा निवेशित राशि का भुगतान नहीं किया जा रहा है। वरिष्ठ कार्यालयों से संपर्क करने पर अधिकारियों के द्वारा हमारे साथ अभद्र व्यवहार किया जा रहा है तथा फील्ड से और राशि एकत्र करने का दबाव बनाया जा रहा है। ये कह दिया जाता है कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं, तुम लोगों ने पैसा लिया है अपने घर से दो। इसी मानसिक दबाव के कारण सहारा इंडिया के कई जमाकर्ताओं मानसिक उत्पीड़न के चलते इस दुनिया से चले गए हैं। विगत दिवस सहारा इंडिया के वरिष्ठ कार्यकर्ता भावना शर्मा एवं भागचंद्र जी जैन का मानसिक पीड़ा के चलते निधन होना इस बात का ज्वलंत उदाहरण है। यदि शीघ्र कार्यवाही नहीं की गई तो अनेक फील्ड कार्यकर्ता इन्हीं दुर्घटनाओं का शिकार हो जाएंगे या अपना घर छोड़ने पर मजबूर हो जाएंगे। जी, क्या नाम है आपका? जितेंद्र कुमार भटनागर जी। बताएं किस समस्या को लेकर आवेदन देने आए सभी लोग आप? हम सभी लोग सहारा इंडिया से पीड़ित है, उसी के चक्कर में हम कलेक्टर साहब के लिए आवेदन देने आए थे कि हमारी एफआईआर कटे। जो लोग इसमें है, ओपी श्रीवास्तव, सपना राय, सुब्रत राय सहारा, कर्नल अवस्थी और जो भी लोग हैं इनके खिलाफ एफआईआर कटवाने के लिए हमने ज्ञापन दिया। आपने कितना क्या निवेश किया था एक व्यक्ति में? इसमें लगभग गुना का कम से कम 70 से 80 करोड़ रुपया गुना के लिए। तो क्या आश्वासन मिला आपको? हमने एसपी साहब के लिए लिखा, देखते क्या होता है। एसपी साहब को कितने लोग पीड़ित हैं यहाँ से? इसमें कम से कम 6000 के आसपास पीड़ित हैं।